most ordinary ways. I always stop and wonder what would have happened if I stayed. Cause without you, it's like me. हाँ जी, जय श्री राम मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों। भाई कैसे आप लोग, आए होप आप सब अच्छे होंगे। जय भोलेनाथ की मेरे सारे प्यारे भाइयों को। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का पावन महीना चल रहा है, और भाई आज मैं आपको एक ऐसी कावड़ दिखाने वाला हूँ जिसको भाई काफी बंदे रथ यात्रा कहते हैं, काफी बंदे बड़ी कावड़ कहते हैं, और काफी बंदे महाकावड़ कहते हैं। आज मैं आप लोगों के पास लेके जाने वाला हूँ जो भाई इसको बनाते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको इसमें कितना खर्चा आता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और इसी से जुड़ा भाई हमारे गांव कुछ इतिहास भी है, वो भी दिखाने वाला हूँ आपको। तो जल्दी से चलते हैं उन भाइयों के पास। और हाँ, साथ के साथ एक और चीज, उनका डीजे कैसा है और उसका साउंड क्या है, क्या क्या उन्होंने इंस्टॉल किया, सारी चीज बताएंगे भाई, सारी चीज डिटेल में। चलो जल्दी चलते हैं। जैसा आप सभी को मैंने अभी बताया था कि अपने गांव से एक बड़ी कावड़ जा रही है, तो उसके भाई जो आज हमारे सामने बैठे हैं, एक विमल भाई है, दूसरा आकाश भाई है, उसके भाई कार्यकर्ता हैं। तो भाई कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया हो। तो भाई आपको इस चीज का आइडिया कहाँ से आया कि भाई आप बड़ी कावड़ लेके जाए? जैसा कि मेरे को पता है कि अपने गाँव की बड़ी कावड़ का इतिहास सही नहीं रहा है, और मोस्ट ऑफ टाइम के भाई एक्सीडेंट हो गया या कावड़ खंडित हुई है, तो आपके मन में विचार कैसे आया कि भाई बड़ी कावड़ लेके जानी चाहिए? हमारे मन में विचार ऐसे आया कि इतना बड़ा गांव है, बहुत से गांव और गांव से महाकावड़ जाते हैं हम बचपन से, तो भाई ये महाकावड़ जा रही कितनी सुंदर है। सबसे विचार बना के हमारे गांव दोबारा से महाकावड़ स्टार्ट होने चाहिए, बढ़िया से बढ़िया भव्य से बढ़िया महाकावड़ बने। जैसा कि भाई मेरे को पता है कि अपने गांव में काफी बार कावड़ लाने की ट्राई करी गई है, पर वो खंडित हो जाती थी, कभी एक्सीडेंट में किसी की जान चली गई, कुछ ऐसे सीन भी हुए हैं, तो उससे आपको थोड़ा वो डर या वो कुछ नहीं लगा आपको? डर की बात तो भाई ऐसी है कि डर तो पहले था, एक बार पहले ऐसा था कि भाई हो भी सकता है, इतनी बार कुछ चोट या कुछ ना लगी, पर भोले की कृपा से पिछले साल बहुत अच्छे से हमारी महाकावड़ आई। पिछले साल मतलब पहली बार ही लेके आए थे जो अब आई थी राम मंदिर वाली, उसके बाद यही आई थी। हाँ, तो उस टाइम भाई कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे भाई हो के कावड़ खंडित हो जाती? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा हुआ। हाँ, तो बढ़िया आई, सारे भाई साथ के प्यार मोहब्बत से बढ़िया कावड़ आराम से आ गई, कुछ बढ़िया बारिश हो रही। हाँ, ठीक है। जैसा कि भाई मेरे को पता है कि इस कावड़ में काफी खर्चा होता है, तो अपनी कावड़ जो कि अभी दूसरी कावड़ जा रही है ये, और दोनों बार ये राम मंदिर के उस पे जा रही है, अभी हाफ पे जा रही है, तो राम मंदिर ही क्यों चुना आपने? राम मंदिर का ऐसा था कि हर दो साल में हमने फेस को बदलेंगे। हाँ, हर दो साल में बदला जाता है, मतलब एक बार हर दो साल में नया वो करेंगे। सबसे पहले हमारे मन में थे राम मंदिर का ही वो चल रहा था उस टाइम, मतलब हाँ पिछले साल तो राम मंदिर का ही जो हुआ है कोर्ट से लिया है। हाँ, उसके बाद दिवाली मनाई, तो जब से था कि पहले राम मंदिर का लाएंगे, फिर जैसे जैसे मंदिर हमारे मन में आते जाएंगे या तो लगेंगे उनकी हम इसके साथ बना। जितना भाई मैंने अब तक सुना था कि अपनी पिछले साल वाली कावड़ को काफी अवार्ड भी मिले थे, डीजे को भी अवार्ड मिले थे, आपने इस बार भी काफी बड़ा डीजे करा जिसकी साउंड भाई मे भी कैमरे में तो आवाज इतनी नहीं आ पाती, पर क्या ये सच था, और कितने अवार्ड आपने जीते, कहाँ कहाँ जीते, कुछ बता सकते हैं भाइयों को? भाई जो अपने कावड़ के फंक्शन होते हैं अपने मेरठ से मुजफ्फरनगर, जितने भी शिविर लगाते हैं अपने भोले के लिए, वहाँ पे सभी जगह का सभी कावड़ों को डीजे को देखते हुए अवार्ड दिए थे। अच्छा, तो जिसमें से हमसे आगे पीछे भी एक दो कावड़ चल रही थी, उनमें से जो उनको अच्छी लगी तो अपने पहुंची गाँव। हरिद्वार में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होते हैं, डीजे के हो गए, कावड़ों के हो गए, जैसे डाक कावड़ जाते हैं उनमें बहस चलती है कि भाई कौन तेज भगीता है, तो ऐसा आपके साथ कोई कंपटीशन हुआ है? जैसे कावड़ का तो खैर नहीं होगा, पर डीजे का? महाकावड़ में तो नहीं हुआ, पर डीजे का कुछ डीजे ऐसे थे जिसने हमसे ज्यादा भी सामान लगाया हुआ था, और उससे भी बढ़िया हमारे जो हमारा राघव डीजे था उसने अपना नाम किया और बढ़िया पढ़ते थे। ठीक है, अराउंड में क्या कॉस्ट लेके चल रहे हो आप डीजे डीजे की? हमारा डीजे कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए में पड़ता है, तेल के साथ 1 से 1.5 लाख रुपए में जाता है। और क्या क्या लगा रखा है, कितने बेस, कितने टॉप, कुछ? अभी हमारे नरेश और कुलदीप भाई ने इसके अंदर 10 बेस लगाए हुए हैं और 8 टॉप लगे। अच्छा, और भाई अगर मैं जानना चाहूँ कि अपनी कावड़ का जो रेट है, जैसे पूरी कावड़ टोटल कितने में होती है और कितने में जा पाती है?
टोटल कावड़ का जो खर्चा स्ट्रक्चर बने मतलब कोई नए से शुरुआत करता है तो सीधे सीधे 1.5 लाख के आराम का कावड़ का खर्चा लगा। कावड़ जो नॉर्मल अपना मंदिर बनता है उसमें मतलब एक पूरा नीचे का स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा। वो कम से कम 1.5 लाख रुपए का जो चेचिस वगैरह होता है 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है। जो अभी हमारे करंट में पिछले साल का जो स्ट्रक्चर था वो अब बच गया था। जो ऊपर का हमारा सेटअप हुआ 1 लाख ऊपर का सेटअप 1 लाख रुपए का जितनी सजावट वगैरह हुई है और नीचे का 1.5 लाख का ऑलरेडी था। तो मोटा मोटा मिला के आपका पूरा 3 से 4 लाख का पूरा होता है एक कावड़ का, 4-4.5 लाख का एक उसका होता है। वहाँ पे तो भाई काफी काफी लाखों के तेल फूक जाते हैं खाली डीजो पे, पर यहाँ तो अपना इतना नहीं होता। हम भाई हमारा मानना ये है ठीक है कॉम्पिटिशन जो होती सबसे पर हम कावड़ लेके जा रहे हैं हमारी बात रहती है कि हम अच्छे से दूसरे कावड़े सिस्टम ना हो या कोई और जो भी वहाँ के पब्लिक है वो भी ना हो अच्छे से कावड़ आए और जल चढ़े। मेन अपनी बस यही है कि जल चढ़े अपना आराम से सब प्यार मोहब्बत से आ जाए और वहाँ की जनता परेशान ना हो। कई बार होता है कि हम कंपटीशन में लग जाते हैं तो जो और कावड़िया होती है जो कलश बार उठा रखता है भाई अपना तो है ही बदल को बिल्कुल 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 तो परेशान हो जाते हैं फिर अपनी बातें तो हमारा ग्रुप इस चीज को अवॉइड कब करता है ज्यादा बैस में क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से बैस में तो कितना करे जब उठा पर मेन काम हमारा कावड़ बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप दोनों का आप मेरे साथ जुड़े। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं शाम अब लेने आ जाऊं हौसला हार न जाऊं शकीन है हाँ जी भाइयों कैसी लगी आपको ये वीडियो। भाई काफी ज्यादा मजे आए और भाई जो डीजे था ना हकीकत बता रहा हूँ लिटरली बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वाला डीजे था और भाई काफी सुंदर कावड़ बना रखी है भाई। बस इसके जो गुम्मत होते हैं जो छत लगती है वो नहीं लगी थी, बाकी प्रॉपरली बहुत प्यारी कावड़ लग रही थी। जो भाई आगे महाकाल का इन्होंने वो दिया है फ्रंट दिया है बहुत प्यारा लग रहा है भाई। और 2 साल से भाई सेम राम मंदिर पे बेस्ड है, अगली साल चेंज होगी शायद अगली साल हम भी इसमें जाएं, कंफर्म नहीं बता रहे पर काफ़ी मजे आए भाई आज मेरे को और रात होगी भाई। तो मिलते हैं भाई जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम जय भोलेनाथ।